खातम, अब हुआ इंतजार खत्म, लीजिए शुरू होता है और राउंड नंबर दो। और रवि तू फिरकी पकड़ ढक से, तुझे फिरकी पकड़नी नहीं आती क्या? गोपाल तुम बिना कहाँ सुधरोगे? क्या है उधर देख उधर अपनी बटन जैसी आंखों से। अरे मेरी तो आंखें बटन जैसी हैं, तेरी तो शक्ल ही कद्दू जैसी है। चुप तेरी मैं। अरे रवि माझा ठीक से छोड़ना, क्या कर रहा है तू? अटक अटक के आ रहा माझा। डैड अटक इसलिए रहा आपके और मांझे के बीच में, आप डिस्टेंस तो देखो। अरे तो डिस्टेंस ठीक करना, उल्लुओं की तरह खड़ा है। ठीक करने के लिए आपको ढील छोड़नी पड़ेगी, छोड़ो ढील। अरे मैं ढील दूंगा बेवकूफ, तो मतलब गोपाल अब तुम रवि के साथ वही कर रहे हो जो साधना तुम्हारे साथ कर रही थी, और तुम साधना से चिढ़ रहे थे इसलिए काम बिगड़ रहा था, और इस बार तुम रवि से चिढ़ रहे हो इसलिए काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। रवि तुम्हारा बेटा है, वो जरूर चाहेगा कि तुम जीतो, इसलिए तुम उसकी बात सुनो। अरे तुम रहने दो, समझ गए ना? अरे माँ ने बिगाड़ रखा है, कुछ आता जाता नहीं है इसको। ओए गुरु ओए सुनो, ओए जब समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं, ओए जब तूफानी हवाएं और पहाड़ों को चीरती हैं, ओए जब सूरज की रोशनी ओए आग बरसाती है ना, ओए तब जो माहौल बनता है ना, ओ वही माहौल आज इस वक्त यहाँ पर है। और ठोक ताली। मैं देख सकता हूँ कि गोपाल जी के हाथों में ना खून की तादाद बढ़ती जा रही है, तो लगता है उनके हाथ ना बड़े नाजुक हैं। ओए हमेशा कलम पकड़ने वाले शर्मा जी के हाथों को ओए मांझे का तीखापन सहन नहीं हो रहा। डैड आपका हाथ कट रहा है। हाँ तो घबरा मत, तू इसको पकड़ के रख। हाँ। बस कैसे नया ध्यान दे, बेटा है तुम्हारा, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आता गोपाल कि कैसे डील किया जाए अपने बच्चों से। कैसे डील किया जाता? अरे करता तो हूँ, हेमा के साथ करता नहीं क्या? अरे गोपाल वो तो तुम्हारी लाडली है इसीलिए। आरती ये क्या हुआ शर्मा जी के हाथों को, हाथ कट गए क्या? सक्सेना जी लगता है उनके हाथ से खून निकल रहा है। होता है पतंगबाजी में होता है, हाथ कट ही जाते हैं लेकिन पतंग नहीं कटनी चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन ये अभी कटेगी। डैड टेक केयर प्लीज। पापा सक्सेना अंकल की काइट आ रही है, आराम से आराम से। तू फिक्र मत कर मैं देख रहा हूँ। हाँ मुझे नहीं लगता आप तीसरा राउंड खेल सकते हैं।